मेवात में इसका मतलब आपके लिए है, मेवात में तो जंगली आपके रहते हैं, उन पर जो चाहे लाभ दी। तो आप लोग जब यहां सब इकट्ठे हुए तो इस बात को सोचिए, रोजगार की जो ये बात कर रहे हैं कि भाई 5-7 आदमी को रोजगार मिलेगा, असल बात तो ये है कि कुछ होना नहीं, ना रिसाइकलिंग की मशीन आएगी ना कुछ आएगा, बस एक पहाड़ लग जाएगा कूड़े का जिसकी 30-30 किलोमीटर तक आप इतनी बदबू आएगी, आपके स्कूल में बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, आपके रोड से कोई निकल नहीं पाएगा, और होगा क्या कि यहाँ से टीचर को छोड़कर भाग जाएंगे। जब कितनी ये जो हमारी मीटिंग हुई है यहाँ पे, हमारे कुछ जमींदारों को झूठ सच बोल के किसी प्लांट के नाम से जमीन इनसे एग्रीमेंट कराई गई थी किराए पे एक साल के लिए, इनको बोला गया था कि यहाँ पे रोजगार देंगे हम, एक प्लांट लगाएंगे जिनसे तुम्हारा रोजगार बढ़ेगा, तुम्हारे बच्चे लगेंगे, लेकिन जो अब वो कर रहे हैं उन्होंने वहाँ से कूड़ा भेजना चालू कर दिया था। उस समय बात थी जी मड़बे की, जो लिखा हुआ है एग्रीमेंट में मड़बा भेजेंगे, मड़बे के बजाय इन्होंने कूड़ा भेजना चालू कर दिया है, और कूड़े से हमारा पूरा ही इलाका जिससे हमारा दूषित होने की संभावना रहेगी और अनेकों बीमारी भी बढ़ेंगी उससे, उसके पर्पज़ में हमारे सभी गांवों के इलाके के जो गांव के दो दो चार चार जिम्मेदार आदमी यहां पर आए हैं, सरपंच पंच पार्षद भी हैं, पूरा पार्षद पूरा सरपंच भी हैं, और हम लोगों ने अपना एक मशवरा करा है, जो जमींदारों से बातचीत रखी थी हमने भाई ये कैसे हुआ है, उन्होंने कहा कि हमारे साथ सरासर धोखाधड़ी हुई है, धोखाधड़ी करके हमसे एग्रीमेंट लिखवाया गया है, और अब उनसे उनके मुताबिक हम कल आज हमने 11 आदमियों की कमेटी बनाई है, और कल हमारे 11 आदमी और वो जो जमींदार जिन्होंने एग्रीमेंट जिनसे लिखवाए गए थे धोखाधड़ी से, कल हम डीसी को उनका ज्ञापन देंगे, ये एग्रीमेंट हम कैंसिल कराएंगे। अच्छा, एग्रीमेंट कैंसिल कराने पर पंचायत का एक मुश्त फैसला है जी, ठीक है, थैंक यू।